यहाँ पे जो वो नहीं आ रहा था जीआर, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे एक जम्पर लगाया इसकी वजह से ये ओके हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो देखेंगे। दिखाइए सर, जो कि अभी दोनों में आपको लगा कर दिखा सकता हूँ, दोनों के अंदर कोई मैसेज नहीं आएगा। ये कैमरा परफेक्टली काम करेगा इस कमरे का, इस कैमरे के अंदर इशू है। कैमरे के अंदर इशू किस चीज़ का है? ब्लर का। सर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम अपनी हैंड स्किल टेस्ट करने के लिए इसको सीपीयू उतारेंगे, हम इसका दोबारा से रिवॉल्व करके लगाएंगे, बिल्कुल चेक करते हैं अपनी हैंड स्किल हमारी परफेक्ट है कि नहीं। इसमें 700 समथिंग का लीकेज है, पावर सप्लाई पे लगाने के साथ ही बूट लेना स्टार्ट कर दे रहा है ऑटोमेटिक। और लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इस फोल्ड को रिपेयर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उसके अंदर लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं कि हाँ ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो भी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर भी जो भी काम होगा वो बिल्कुल लाइव रहने वाला है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग जगह से आए हुए, कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे हम काम भी लाइव कराकर देखने वाले हैं। और लाइव काम के साथ साथ यहाँ पर अली सर हमारे साथ हैं और नितिन सर हमारे साथ हैं, ये भी हमें कुछ इस वीडियो के अंदर नया दिखाने वाले हैं। चलिए हम इनसे भी जानेंगे कि आज हमें क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अली सर से। अली सर बताइए, हमारे भाइयों के लिए कुछ नया भी आप क्या लेकर आ रहे हैं और आज क्या दिखाने वाले हैं? सर सबसे पहले मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या है? जी सर, 13, 14, 15 का स्कीमेटिक नहीं है। जी सर, तो बहुत सारे इसी पे रुक रहे हैं के बिना स्कीमेटिक के हम ट्रेस और ट्रबल शूट कैसे करें। बिल्कुल। और दूसरी जगह फंसते हैं सीपीयू पे कि हमसे सीपीयू नहीं होता बोल के। और इस बैच की खासियत ये है कि जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जी, कभी आईसी पे काम नहीं किया। ओके, पहली बात। और क्या भाई आईसी पे काम करके थे? कोई भी नहीं करके थे। तो मेन ये चीज़, सीखे हुए को सिखाना तो आसान है जो ऑलरेडी आईसी का काम कर रहे हैं, सीपीयू उतार रहे हैं। अब हमें ये परेशानी होती है कि जो फ्रेशर हो जी। और सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 दिन 20 दिन और एक महीने में कोई भी टेक्नीशियन कंप्लीट बन के जा नहीं सकता। ओके, सिर्फ इंस्टीट्यूट आपको चलना सिखाएगा, मंजिल तय करना आपके हाथ में है। जैसी मेहनत करेंगे तभी कामयाब। क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट वाले धोखा देते, एक महीने में सिखा देंगे। कभी मैंने बोला एक महीने में काम सीखने वाले? हाँ, तो कोई काम नहीं सीख सकता, सिर्फ उनका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाएगा। ओके, जो जैसे पहले काम करते थे अंधेरे में निशाना लगाना, अभी पता लगेगा कि निशाना लगाना किधर है। बिल्कुल सर, ये बात हो गई। और दूसरा, किसी से सीपीयू नहीं हुआ बोल के नहीं, सारे के सारे सीपीयू किए भाई, 100% तो सारे से सीपीयू भी हुआ। अब लाइव भी देखोगे आप, लाइव सीपीयू भी करके दिखाएंगे आपको। तो ये हो गया, और फ्रेशर को आसानी से सिखा सकते हैं जी। और दूसरी बात, अगर स्कीमेटिक नहीं रहा तो हमें चलना कैसा है? ओके, तो नितिन सर ने ऐसे मेहनत की दिन रात के सारों के सारे सीपीयू करवाए, और स्कीमेटिक पे जो इश्यूज था जी, स्कीमेटिक मैंने समझाया। और इस बैच में मैं नितिन सर का एक असिस्टेंट बन के काम किया, क्योंकि आगे नितिन सर को ही रखा, पीछे काम किया, जो जिसको डाउट था वो क्लियर हुए। बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, स्कीमेटिक मैं सिखाता गया, हैंड स्किल ये सिखाते गए, तो रिजल्ट आपके इस पास कैसे, 100% या फिर कहते हैं? तो सारे सेटिस्फाई हैं? सारे। कोई इश्यू सीखने में? जो लास्ट वाली वीडियो देख के आए थे कुछ, उस पे जो बताया गया वो इधर पे नहीं मिला, कुछ ऐसे हुआ? 100% मिला। 100% तो हमारा आखिरी में यही होता है कॉन्सेप्ट कि रिजल्ट 100% से 100% आए, स्टूडेंट को सपोर्ट मिले, और 100% स्टूडेंट को जाने के बाद सपोर्ट मिलेगी, नितिन सर की भी मिलेगी, मेरी भी मिलेगी, जो भी चाहिए उनको, कोई भी डिससेटिस्फाई बोल के कोई भी ये बैच में मिलेगा नहीं आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, फिर टाइम को शॉर्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नितिन सर हैं जो कि हमें कुछ काम करके भी दिखाने वाले हैं, और स्टूडेंट से भी काम करके वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारे पास एक आईफोन है, इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या, चलिए सर से जानते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रहमान है सर। कहाँ से सर रहमान जी? सर नोएडा सेक्टर 18 से। ओके, तो सर ये जो आपके हाथ में इस टाइम पे हैंडसेट है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? सर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम अपनी हैंड स्किल टेस्ट करने के लिए इसको सीपीयू उतारेंगे, हम इसका दोबारा से रिवॉल्व करके लगाएंगे, बिल्कुल चेक करते हैं अपनी हैंड स्किल हमारी परफेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सर, तो ये जो आप हैंड स्किल की बात हमें बता रहे हैं, तो ये आप पहले से कर रहे थे सीपीयू वगैरह? या सर मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ सीपीयू, उससे पहले मैंने कभी सीपीयू नहीं करे। मतलब इंस्टीट्यूट में आने के बाद आप फर्स्ट टाइम सीपीयू कर रहे हैं? हाँ सर, इंस्टीट्यूट में आने के बाद फर्स्ट टाइम ही सीपीयू कर रहे हैं। ठीक है सर, दिखाइए किस तरह से आप करने वाले, कर सकते हैं वैसे? कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, करके दिखाएंगे हम आपको। ठीक है सर, कीजिए कंटिन्यू।
ठीक है सर, हमारा CPU रिवॉल्व हो गया सर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको कि कैसा रिजल्ट आता है। आई होप कि सब कुछ अच्छा है, उम्मीद है रिजल्ट सही आएगा। तो भाई वो वहाँ से टिगर कर रहे हैं, एक बारी बूट देख लो इधर से। ओह कुछ तो हो गया, डिस्प्ले देखें, देख सकते हैं आप ऑन हो गया है, एप्पल लोगो आ गया है। ओके, अभी पूरा ऑन होगा। तो इतने ये पूरा ऑन होता है सर, आप एक बारी अपना एड्रेस क्या रहता है शॉप का? नोएडा सेक्टर 18 G29। ओके, और मोबाइल नंबर आपका? 7503516596। तो जो काम आपने यहाँ पे करके दिखाया है शॉप पे भी कर सकते हैं? हाँ सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल 100%। तो खाली CPU ही करेंगे या इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होती है वो भी रिपेयर कर सकते हैं? सब कुछ करेंगे सर, ने हमें सब कुछ सिखाया तो सब कुछ करेंगे सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार देखिए सर। आप देख सकते हैं सर ऑन हो गया है पूरा, टच चला के दिखा दें आपको। ये देखिए, लो भाई देखो टच वगैरह सब कुछ वर्किंग एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में। ये जो भी था मतलब फ़ोन रनिंग फ़ोन था, इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना था, तो उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए इन्होंने इस फ़ोन को मतलब चालू फ़ोन को इन्होंने CPU उतारा और दोबारा से इन्होंने लगा कर दिखाया। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सर। इसके अंदर एक एप्पल का लोगो आ रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है चलिए एक बार सर से जानते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। योगेंद्र कुमार। कहाँ से सर आप? गाज़ियाबाद, दिल्ली। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे लोगो दिख रहा है, प्रॉब्लम क्या लग रही है इसमें सर? इसमें ये डिस्प्ले बैक लाइट। और मॉडल कौन सा है ये? iPhone 6s। 6s है तो बना सकते हैं ये? बिल्कुल सर। और आपकी शॉप गाज़ियाबाद में या कहीं और है सर? गाज़ियाबाद में ही है। ठीक है, तो ये आप बनाकर दिखाइए हमें, और ये बन जाता है तो शॉप भी बताइए और साथ में मोबाइल नंबर भी बताइए। ठीक है सर, कीजिए कंटिन्यू किस तरह से करने वाले। इसकी पहले हम GR लेते हैं। ओके, डिस्प्ले कनेक्टर की। अच्छा, वन बाय वन करके सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। जी सर। ठीक है, स्टार्ट करना 43। ये हमारा 420 वैल्यू है सर, इस पर OL है, हमें OL मिला है। ओके, जिस पर जिससे कि हमें इस पर वैल्यू मिलनी चाहिए थी 420 अप्रोक्स 550, तो इस पर OL आ गया। OL आ रहा है सर इस पर। ठीक है, नेक्स्ट पिन हमारी 590 600 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, इसकी इस लाइन में हमारी प्रॉब्लम है सर, जिस पर OL आ रहा है, जिसे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए थी उस पर OL आ रहा है। इस लाइन को चेक करेंगे सर हम पहले, जो कि पूरा अलग है। ओके, ये देखो अलग रखा हुआ है, शॉर्ट जल गया है देखो पूरा। अच्छा, ठीक है सर, तो पूरा जला हुआ है, इसकी वजह से सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, तो इस पर बैक लाइट पर लाइट नहीं आ रही। तो ये सिर्फ दूसरा लगेगा? FL दूसरा लग सकता है, बट इसे शॉर्ट करके भी चल सकता है सर ये। ओके, दोनों कनेक्शन को शॉर्ट कर दिया जाएगा, जंपर कर दिया जाएगा, चल जाएगा। यहाँ पे जो वो नहीं आ रहा था GR, तो ये जो इन्होंने यहाँ पे जंपर लगाया इसकी वजह से ये ओके हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो देखेंगे। दिखाइए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो ये कैसे बनाया सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सर एक कॉइल थी इसकी जो, ओके, वो फ्यूजल कॉइल वो शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, उस पर उसका जंपर कर दिया, वो सॉल्व हो गया। तो ये किस कोई ये तो ये है हैंडसेट था 6s था, इसके अलावा कोई और मॉडल आता है लाइट नहीं आती? हाँ, तो वो भी कर सकते हैं। सेम ही सर, सेम ही प्रोसेसर, GR आएगा, सेम प्रॉब्लम। ओके सर, तो आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा और नाम? नाम सर योगेंद्र कुमार। ओके, मोबाइल नंबर? गाज़ियाबाद 7705035620033। और शॉप का एड्रेस? शॉप का एड्रेस सर है गाज़ियाबाद, नियर बाय NH24 वेब सिटी सेक्टर 5। तो भाई देखो आपको एड्रेस भी पता चल गया और मोबाइल नंबर भी पता चल गया, सामने काम करके दिखाया वो भी पता चल गया। अब मेरा कोई काम ये नहीं होता कि मैं आपको कोई फेक वीडियो दिखाऊं, काम दिखाता हूं एकदम रियल एंड 100% जेन्युइन। और सर ने हमें बनाकर दिखाया, अच्छे से बनाकर दिखाया, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई भी काम है तो इनके पास लेकर ज़रूर जाइए।
तो भाई आज हमारे पास एक 12 प्रो मैक्स का मदरबोर्ड है और इसके अंदर है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग किस तरह से रिपेयर होने वाली है या लीकेज किस तरह से रिपेयर होने वाली है, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं आया हूँ आपको लेकर आर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि है बेंगलोर में, और ये सर हमारे साथ है जो कि इस फोल्ड को फाइंड करके बताने वाले। इसमें 700 समथिंग का लीकेज है, पावर सप्लाई पे लगाने के साथ ही हमारा बूट लेना स्टार्ट कर दे रहा ऑटोमेटिक। और लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम इस फोल्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी मदरबोर्ड, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, जिस तरह से सर को फॉलो कीजिए आप उसी तरह से कर सकते हैं। बाकी सर ने हमें बताया भी है कि किस तरह से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्री हीटर पे उसको रख दिया है और सर ने जैसे बोला इसको ऑन करने के लिए ऑन कर दिया है। आगे सर बताएंगे कैसे करने वाले हैं। इसका मतलब हमारे अपर बोर्ड में शॉर्टिंग है, क्योंकि स्टिल जो है वो 600 समथिंग एम्पीयर ले रहा है जब हम अपने डीसी सप्लाई से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्टिंग जा चुकी है अभी इसमें, जब हम डीसी पावर सप्लाई से अपना बैटरी कनेक्टर पे हम कनेक्ट करते थे तो वो डायरेक्ट ऑटो एम्पियर ले रहा था, अभी वो चीज़ नहीं है। इट मीन्स हमारा शॉर्टिंग ख़त्म हो गया है, लीकेज ख़त्म हो गया है। अब हम प्रॉपरली इसको वापस दोनों बोर्ड को ज्वाइन करके और फिर चेक करते हैं कि क्या पोजिशन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सारे गवाह हैं। थैंक यू सर। चलो ऑन होता है तो पता करेंगे कैसे बना। कस्टमर का डाटा भी बच गया, बहुत अच्छा है। तो सर एक बारी बताएंगे कैसे कि आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या किया, एक बारी बताएंगे। सर इसमें सेकेंडरी लाइन में इसका शॉर्टिंग था, ओके, जिसके वजह से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। वो VDD मेन लाइन होता है, VDD बूस्ट का, उसके वजह से इसमें प्रॉब्लम था ऑन होने में। तो हमने उसको, उस कंपोनेंट को चेंज कर दिया है तो अभी ये प्रॉपर हो गया। तो आप सेकेंडरी लाइन तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा बताएं। सर उसके लिए स्कीमेटिक का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। स्कीमेटिक में आप सर्च करके VDD बूस्ट लाइन या VDD लाइन कौन सा है, ये सर हमारे गुरुओं का देन है। गुरु ने हमारे हमको अपडेट किया है इन चीज़ों को ट्रेस करने में और ट्रबल शूटिंग में, तो हम इस चीज़ को करने में समर्थ हैं अभी। और यही चीज़ अगर आपकी शॉप पे आती तो पहले आप कर सकते थे इसको? नहीं सर, पहले ये चीज़ हमको नॉलेज ही नहीं थे इन चीज़ों का। ओके, पहले फ़ोन ओपन करते देखते और रिटर्न हो जाता, मगर अब कर सकते हैं आप? डेफिनेटली सर, कोई भी फ़ोन आएगा आराम से। बहुत अच्छी बात है। तो आपका मोबाइल नंबर सर? सर मेरा मोबाइल नंबर 9826760529। बाकी मैं बाहर से हूँ, इंडिया में रहता नहीं हूँ मैं। ओके। मैं जर्मनी में रहता हूँ। ओके, तो भाई हमारे भाई ये जर्मनी से, और जर्मनी से होने के साथ साथ ही अपडेट होने के लिए यहाँ पर आए थे, और इन्होंने आज जो फ़ोन बना के दिखाया है वो लाइव कस्टमर का शॉप पे फ़ोन आया हुआ था। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और इन्होंने लाइव काम दिखाया वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। फोकस नहीं ले रहे हैं, फोकस नहीं लेगा, 0.5 ओके चल रहा है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है सर? इसके अंदर जो कैमरा है ना, इसका मेन कैमरा, जो इसका मेन रियर कैमरा है, वो उसका ख़राब हो चुका है। ओके, तो इस केस में हम लोग कैमरे को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो जैसे ही कैमरे का रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा। ओके, कि जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, सेटिंग जनरल अबाउट के अंदर हम लोग जाते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आता है कि दिस इज नॉट जेन्युइन कैमरा। तो कस्टमर के जो बोलना है, कस्टमर का बोलना ये है कि मेरे को ये कैमरा इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं चाहिए। तो पहले हम इनके कैमरे में से डेटा को रीड करके, और जैसे कि आप ये फ्लक्स देख पा रहे हैं, L3 मिनी की फ्लक्स है, इसके अंदर एक IC लगी होती है, इधर IC लगी हुई है, उस IC के अंदर इस कैमरे का सीरियल नंबर जो होता है वो उसके अंदर आकर राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो सेम इसका जो मैसेज आ रहा है ना वो हट जाएगा इसमें से। सर फिर इधर सिर्फ टेस्ट होगा ये?
अच्छा ठीक है, इसमें से हम लोग इसको रीड नहीं कर सकते अभी। इसमें जो हमारा फ्लक्स है उसको कैमरे के साथ हम जॉइंट कर चुके हैं, वेल्ड कर चुके हैं। वेल्ड करने के बाद में इसमें हमने बैकअप आज उसका ले चुके थे, बैकअप को राइट कर दिया है ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने अनबाइंड करना होता है। इसको अनबाइंड करने के बाद में इधर बाइंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा बैक कैमरे का, ये ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। और इसका जो राइट बैकअप है ना उस पर क्लिक करके थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पे आपका जो 1x कैमरा है ना आईफोन 13 1x कैमरा पास हो चुका है, बाइंड सक्सेसफुली पास। और दिखा देता हूँ आपको, दोनों ही कैमरे मेरे पास में हैं। इसकी जो वेल्डिंग है ना ये मैंने अपने हाथ से करी हुई है, ये देखिए ये इसकी वेल्डिंग हो रखी है। और इधर स्पाइसी लगी हुई है। और ये रहा इसका ओल्ड वाला कैमरा, पुराना कैमरा, जो कि अभी दोनों में आपको लगा कर दिखा सकता हूँ, दोनों के अंदर कोई मैसेज नहीं आएगा। ये कैमरा परफेक्टली काम करेगा। इस कैमरे के अंदर इशू है, कैमरे के अंदर इशू किस चीज़ का है, ब्लर का ठीक है। अभी चेक करते हैं हम लोग क्या दोनों में मैसेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हमारे, ठीक है ओके। सबसे पहले ये वाला कैमरा डालेंगे हम लोग ठीक है, सेकंड में ये वाला कैमरा डालेंगे। कैमरा डालते वक्त में वीडियो हमारी स्किप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे भाई लोगों को क्या लगेगा कि कैमरा को इधर उधर कर दिया है। तो साथ में देखेंगे। ठीक है, सेटिंग के अंदर हम लोग आते हैं, जर्नल में आएंगे हम लोग, अबाउट में आते हैं। देखिए कोई मैसेज आ रहा है इसके अंदर कैमरे का, इंपॉर्टेंट मैसेज इसका खत्म हो चुका है। और अभी चलिए चेक करते हैं हमारा कैमरा क्या सही काम कर रहा है। बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। वो लाइट का थोड़ा सा वो दिखा रहा है, ये देखिए फोकस भी हो रहा है। पहले क्या था कि ये फोकस नहीं ले रहा था, ऐसे हम लोग फोकस कर रहे थे ना, फोकस नहीं हो पा रहा था। उधर देखिए हमारे स्टूडेंट लोग काम सीख रहे हैं ठीक है, फोकस कर रहा है पूरा। पहले ऐसे इशू आ रहा था कि फोकस नहीं हो पा रहा था। ओके ओके, अभी कैम वीडियो को समीटर से थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को रोके ना बीच में, मैं पुराना वाला कैमरा लगा दिखाता हूँ आपको। कैमरा चेक करते हैं हम लोग कैमरे को ओपन करके, कैमरे के अंदर देखो कैसे अभी कभी काम करता है ये कभी काम नहीं करता, ऐसा कुछ इशू है। इसके अंदर ब्लरिंग का इशू था, ब्लरिंग का इशू है। बार बार जो हम फोकस करते हैं ना, फोकस नहीं कर रहा था, ब्लर क्यूआर कोड वगैरह को फोकस करते हैं। हाँ। कभी काम करता है कभी काम नहीं करता, अटक गया ना अभी, अब अटक गया। हाँ ठीक है, तो इसके अगर इस फोल्ड को अगर कोई एंड कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं कितना खर्चा आता है इसमें रिपेयर करने का? इसका रिपेयर करने का 3500 का अप्रोक्सिमेट चार्ज आता है इसमें। ओके, तो कैमरा वगैरह सब आपका रहता है? नहीं, कैमरा हमारा नहीं होता उसमें। ठीक है, बस आप रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है हम लोग सिर्फ इसे रिपेयर करके देंगे, और जो इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है ना वो हटा के देंगे। ये वीडियो सिर्फ डीलर्स के लिए है, अगर कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर के लिए अलग प्राइस है। वो डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से, कौन सा मॉडल आप लेकर आते हो, सबके अलग अलग प्राइस बताए हुए हैं। ठीक है जी।